भारत में आज से क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो गया है। भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहा है और आज इसका पहला मुकाबला गत चैंपियन इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और इसके अलावा कौन सी टीम कब और किसके साथ टक्कर लेगी, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में आज से क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो रहा है। भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कर रहा है। आज इसका पहला मुकाबला गत चैंपियन इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसी मैदान पर 19 नवंबर को फाइनल मुकाबले भी खेले जाएंगे। इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी अकेले कर रहा है। इससे पहले 1987, 1996 और 2011 में भारत को संयुक्त मेजबानी मिली थी। भारत क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में करेगी। कुल मिलाकर देखें तो विश्व कप को लेकर भारत में जबरदस्त तरीके से उत्साह है। उत्साह डबल इसलिए है क्योंकि एक तो इस वक्त देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और साथ ही क्रिकेट का मौसम भी अपने चरम पर रहेगा। क्रिकेट महाकुंभ का आगाज विश्व कप 2023 के मुकाबले राउंड रोबिन प्रारूप में खेला जाएगा। इसमें शामिल होने वाले सभी 10 टीमों को 9 मुकाबले खेलने होंगे। इनमें से 4 टीम सेमीफाइनल में जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में 16 नवंबर को होगा। भारत के लिहाज से देखें तो अगर वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उसे मुंबई में खेलना होगा। भारत ने 2011 के विश्व कप की मेजबानी की थी, तब उसने 28 साल के बाद विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। इस विश्व कप में खेले जाने वाले दिन के मुकाबले सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे। दिन के मुकाबले सिर्फ 6 हैं। डे नाइट मैच दोपहर 2 से खेले जाएंगे। 40 दिन में 48 मुकाबले खेले जाएंगे। कब कब होने हैं मैच? ये वनडे विश्व कप का 13वां संस्करण है। विश्व कप के मैच भारत के 10 शहरों में खेले जाएंगे। हैदराबाद, अहमदाबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता में मुकाबले हैं। इस विश्व कप में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। मेजबान भारत के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और इंग्लैंड हिस्सा ले रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत का दूसरा मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला है। तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है, जो कि सबसे रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। चौथा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाला है, जो कि 19 अक्टूबर को खेलेगा। भारत का पांचवा मैच 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला है। भारत और इंग्लैंड का मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो कि भारत का 6ठा मैच होने वाला है। सातवां मैच 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाला है। आठवां मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा, जो कि 5 नवंबर को खेलने वाला है। विश्व कप का आखिरी रूटीन मैच 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलने वाला है। विश्व कप 2023 के मुकाबले राउंड रोबिन प्रारूप में खेला जाएगा, यानी कि इसमें शामिल होने वाले सभी 10 टीमों को 9 मुकाबले खेलने होंगे। इनमें से 4 टीम सेमीफाइनल में जाएंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में 16 नवंबर को होगा।
ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि वनडे विश्व कप की ये ट्रॉफी किसके नाम होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।